नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये दो कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसको मैंने 16 फंदे में बनाया है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये मेरे दो कलर हैं जिसका मैंने डोरमेट बनाया है। ये पिंक है और ये ब्लैक। मैंने ये ब्लैक कलर से ये मैंने 16 फंदे डाले हैं और ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये हम इस तरह से उल्टा उल्टा बिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आधे फंदे हमने बिन लिए। जब जितना भी डालेंगे उसके हाफ पे फंदे हम इस ब्लैक कलर से बिन लेंगे और ये हम दो फंदे, ये देखिए इस तरह से 1, 2 फंदे हम ये पिंक कलर से बनाएंगे और ये देखिए पूरे हम इस तरह से और ये हम पूरा ये देखिए ब्लैक कलर से पीन लेंगे। और ये हम दो फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे और धागा यहीं से घुमा के वापस आएंगे और ये देखिए अब हम सीधी साइड में आ गए। दो फंदे हमने छोड़ दिए, धागा इसी के बीच से निकाल के और सीधी साइड हम पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए इस धागे को पीछे करेंगे और इसको हम ऐसे खींच के क्रॉस में आगे लाएंगे और ये दो फंदे हमारे हैं पिक के, इनको हम पिंक कलर से बिनेंगे और इसको पीछे करेंगे और इसको आगे लाएंगे क्रॉस में और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई हमने पूरी बिन ली, जो जैसा है वैसे बिनेंगे। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और धागे से घुमा के लेंगे और ये पूरा हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरी उल्टी उल्टी बनेंगे और ये दो फंदे हम फिर से इसको ऐसे कर देंगे और दो फंदे हम 1, 2 फंदे पिंक से हमने और कर लिए तो अभी हमारे पिंक के हो गए 1, 4 फंदे। दो फंदे हमने और बिने और 1, 2, 3, 4 दो फंदे हमने पहले बिने थे और ये फंदे हम ब्लैक से बिनेंगे। 1, 2 उस बार हमने दो फंदे छोड़े थे, इस बार हम दो फंदे छोड़ देंगे तो अभी हमारे 4 फंदे छूट गए और धागा यहीं से घुमा के फिर से हम सीधी साइड में तो ये ब्लैक वाले दो फंदे हम ब्लैक कलर से बिनेंगे। इस धागे को पीछे करेंगे और इसको क्रॉस में से खींच के आगे लाएंगे और ये हम पिंक वाले पूरे फंदे पिंक कलर से बिनेंगे। ये देखिए इसको पीछे करेंगे और इसको आगे लाएंगे और ये ब्लैक वाले पूरे फंदे हम लास्ट तक, ये देखिए इस तरह से हम पूरे लास्ट तक ब्लैक से बिन लेंगे। ये हम पूरी सीधी सिलाई जैसी है वैसे ही बनाना है। ये देखिए फिर से हम आगे आ गए, ये देखिए फिर से हम उल्टी साइड में आ गए और ये फंदा उतारेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये हम 1, 2, 3 एक फंदा हमने उतार लिया तो अभी हमारे ये 4 फंदे हो गए। अब ये हमारे दो फंदे हैं, इन दो फंदों को हम पिंक कलर से बिनेंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हो गए और दो फंदे हम छोड़ देंगे। ये हम पीछे की तरफ से दो दो फंदे हर सलाई में छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए सीधी सलाई में जैसा है वैसे बिनेंगे। पिंक वाले पूरे फंदे हम पिंक से इस तरह से बना लेंगे और ब्लैक वाले पूरे ब्लैक से बनाएंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना ली, ये पिंक वाले फंदे पिंक से और ब्लैक वाले ब्लैक से फंदे बना लिए। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और ये फंदा उतारेंगे और धागे से घुमा के रखेंगे और ये हम 1, 2 फंदे हो गए। अब ये हमारे दो फंदे हर सिलाई में हम ब्लैक कलर से बनाते जा रहे हैं और ये दो फंदे हमने बिन लिए ब्लैक के। अभी ये ऐसे करेंगे और ये दो फंदे हम पिंक कलर से फिर बिन लेंगे और ये देखिए दो फंदे हमने बिन लिए और ये हमारे जो 6 फंदे हमने किए थे वो 6 ही रहेंगे।
एक दो तीन चार पाँच और छः, ये छः फंदे हमने बीन लिए और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे इस तरह से और धागा घुमा के बीच से यहीं से आगे आ जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और सीधी सिलाई पूरी हम सीधी बीन लेंगे, सीधी सिलाई में हमें जो जैसा कलर है वैसे ही बनाना है। ये देखिए हमने पूरा बीन लिया। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये दो फंदे हमारे ब्लैक के हैं, इनको हम ब्लैक से बीनेंगे। ये देखिए ये जो हमारे दो फंदे ब्लैक के हैं इनको हम ब्लैक ही रहने देंगे, इनको हम अब कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए दो फंदे हमने ब्लैक के ले लिए, ये ब्लैक ही रहेंगे। अब हमारी डिजाइन ये देखिए इस तरफ को जा रही थी, अब ये डिजाइन इस तरफ को जाएगी, तो अभी हम दो फंदे पिंक वाले ब्लैक से बीनेंगे। एक दो, दो फंदे हमने ब्लैक से बीन दिए पिंक के और बाकी हमने फंदे ये पिंक के बीनेंगे। एक दो तीन चार, चार फंदे हमने लिए, दो फंदे अब हमने जो छोड़ने वाले फंदे से दो फंदे बिना बिने ले लेंगे। पांच और ये छह, छह फंदे हमने ले लिए और धागा यहीं से घुमा के अब हम वापस जाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे ये हमारा जोड़ रहेगा अगली बार, तो इस फंदे को हम ये देखिए ऐसे इन दोनों को मिला के एक बार ऐसे बीन लेंगे। ये देखिए तो हमारे ये बीच का गैपिंग खत्म हो जाएगी और अब हम फिर से उल्टी साइड में आ जाएंगे इस तरह से। और ये सीधी सिलाई में ये देखिए पूरा हमारा जैसा है वैसे ही बनाना है, इसमें हमें कुछ नहीं करनी है। ये देखिए पिंक वाले फंदे हम पिंक कलर से बीन लेंगे, ये देखिए इस तरह से इस धागे को पीछे करेंगे और ये ब्लैक वाले को क्रॉस में आगे लाएंगे। और ये हम पूरा ब्लैक वाले पूरे फंदे, दो फंदे हमारे ब्लैक के थे, दो हमने पिंक वाले किए, तो अभी हमारे ये चार फंदे ब्लैक के हो गए। ये देखिए इस तरह से अब हम फिर से उल्टी साइड में आ जाएंगे, फिर से ये धागा ऐसे बिनाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे और हमारे एक एक दो तीन और ये चार फंदे हो गए और दो फंदे हम पिंक वाले फिर से बिन लेंगे। पांच छह, दो फंदे हमने पिंक के बिन लिए और इसको खींच के हम बाकी फंदे पिंक वाले, एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमारे पिंक के बचे हैं, हमें दो फंदे और लेने हैं जो छह फंदे का हमारा ये रेशियो था, नीचे हमने दो लिए थे और चार ब्लैक लिए। इसी तरह से अब हम इसको ब्लैक से दो फंदे बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक दो, दो फंदे हमने ब्लैक से बिन लिए और ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और इस फंदे को बीनेंगे नहीं, इसी में पिरो देंगे, इसको टाइट करके अगला फंदा हम बीन लेंगे। ऐसे करने से हमारे बीच में झोल नहीं पड़ता, यहाँ पे मेरा कलर अलग था इसलिए हमने फंदा बीच में गैपिंग कम करने के लिए उठाया था। और ये देखिए पूरी लाइन अब हम ऐसे ही बीनेंगे सीधी सिलाई में जो जैसा है, ये देखिए इस तरह से, और इसको ऐसे घुमा के लेंगे और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी इस तरह से बीन देंगे। ये देखिए हमने पूरी लाइन इस तरह से बनाई। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और धागा ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे किया और हमारे दो फंदे हो गए, एक हमने छोटा लिया और एक बीन लिया। दो तीन चार पाँच छः और दो फंदे और बीन लेंगे, सात और आठ, आठ फंदे हो गए हमारे जो से, इसको टाइट करके फिर हम दो फंदे पिंक बीनेंगे। एक दो, दो फंदे पिंक के बीन लिए और बाकी हम चार फंदे ब्लैक के बीनेंगे। एक दो तीन चार, ये चार फंदे हमने ब्लैक के बीन लिए। अब हमारे ये दो फंदे बचते हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे और यहीं से घुमा के वापस हो जाएंगे। अब ये सीधी सिलाई में हम ये देखिए ये फंदा उतार लेंगे, इसको बीनेंगे नहीं और इसको टाइट करके अगला फंदा हम बीन लेंगे। इसी तरह से ये देखिए हम पूरा सीधी सिलाई में ऐसे ही बना लेंगे, जो जैसा कलर है इसको ऐसे पीछे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे टाइट में क्रॉस करके, यहाँ पे जोड़ है नहीं तो हमारी यहाँ पे जाली पड़ेगी, और ये पूरा ऐसे ही बनाएंगे। और ये देखिए इस तरह से घुमा के और ये हम पूरे फंदे इस तरह से हमने उल्टे उल्टे बना लेंगे। और ये देखिए हमारी डिजाइन भी बन के तैयार हो रही है जो बहुत खूबसूरत डिजाइन है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारी ये एक कली बन गई है। अभी हम ये देखिए उल्टी साइड में ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और फिर से ये हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए हमने ये पूरे फंदे बिन लिए जो हमारे हमने शुरू में किए थे आठ फंदे, अब हमें ये दो फंदे पूरे ब्लैक के
ब्लैक से बिनने हैं। ये हमने दोनों पूरे, अब ये फंदे हमने खत्म कर लिए, इसको टाइट कर देंगे और ये पूरी लाइन अब हम ब्लैक से बिन देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी लाइन, लास्ट में हमारे दो फंदे बचे थे उनको भी हम इस बार बिन देंगे। ऐसे दो दो करके हमने पूरे फंदे नीचे के बिन लिए, ये देखिए। और ये देखिए हमारी एक कली अभी बन के तैयार हो गई है। अब हम सीधी सिलाई में ये फंदा उतारेंगे और इसको टाइट करके अगला फंदा हम बीन लेंगे। ऐसे करने से हमारे बीच का सर्कल छोटा और सफाई से बनता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं ये सीधी सिलाई यहाँ तक पूरी बीन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई बीन ली उल्टी उल्टी। अब हम ये देखिए हमारी एक कली बन के तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पे ये देखिए ये फंदा उतारना है और धागा ऐसे घुमा के लेना है और हमें जैसे हमने शुरू में ये आधे फंदे हमें इसके अब बीनने पड़ेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ फंदे हमने बीन लिए और धागा यहीं से घुमा के हम वापस आएंगे। बाकी ये हमें फंदे नहीं बीनने हैं और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बीन लेंगे। ये देखें पूरी जैसी है हमें वैसे ही बनाना है सीधा साइड। ऐसे करने से हमारी ये डोरमेट पे बीच में झोल नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी डिजाइन में झोल पड़ जाएगा जो डोरमेट देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम फिर से धागा करेंगे। उस बार हमने आठ फंदे बीने थे, अब हमारा ये एक दो तीन चार पाँच छः, अब हमने दो फंदे छोड़ दिए, छः फंदे बीन लिए और फिर से धागा यहाँ पर घिमाया और फिर से हम सीधी साइड में आ गए। और सीधी साइड में जैसा है हमें वैसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना। ये देखिए अब सीधी लाइन हमने पूरी ऐसे ही उल्टी उल्टी बना ली। ये देखिए इस तरह से हमने बीन लिया। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, फिर ये फंदा उतारा और धागे से घुमा के लिया। अब हम एक दो तीन चार, दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। हर सिलाई में हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं। उस बार हमने छः फंदे छोड़े थे, अब हम चार फंदे छोड़ ए बीने हैं। एक दो तीन चार, ये हमने चार फंदे बीन लिए। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और फिर से एक और दो, अब हम दो फंदे बीनेंगे। हर सिलाई में हमने दो दो फंदे बीने हैं और सीधी साइड में हमें पूरा जैसा है वैसे बीनना है। ये देखिए, और ये देखिए हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। अब हम यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे, तो सेम उसी तरह से हम रिपीट करेंगे जैसे हमने नीचे किया था। ये हमारी पूरी लाइन ब्लैक की हो गई। अब हम ये एक फंदा उतारेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये पूरा, ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ फंदे हमने बीन लिए। और ये अब दो फंदे हम इस धागे को ऐसे करेंगे और ये पिंक कलर से बीनेंगे। एक दो, ये दो फंदे हम पिंक कलर के बीनेंगे और एक फिर दो, ये चार फंदे हम बीनेंगे। एक दो चार फंदे हम ब्लैक के बीनेंगे। एक देखिए एक दो तीन चार और दो फंदे हम छोड़ देंगे, धागा यहीं से घुमा के लेंगे। अब सेम हमने जैसे नीचे रिपीट किया है सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे, तो ये हमारा बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा डोरमेट बना लिया है और ये देखिए मेरा कितना खूबसूरत डिजाइन का डोरमेट बन के तैयार हो गया है। ये देखिए मैं अभी, ये देखिए मेरा जैसा है, ये मैंने पूरे ब्लैक फंदे, ये जो जिस कलर का हमें उसी कलर का भी फंदे घटाने भी हैं। ये देखिए मैंने इतने ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से घटा दिए हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमने पूरे फंदे ब्लैक वाले ब्लैक कलर से घटाए। अब पिंक के हमारे दो फंदे हैं, इनको हम पिंक कलर से घटाएंगे। एक दो, ये दो फंदे हम पिंक कलर से घटाएंगे और ये हमारे बाकी फंदे ब्लैक से घटाएंगे जैसे हमने शुरू में घटाए हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होता है। ये देखिए इसमें हमने सारे फंदे जो जैसा है उसी तरह से हमने घटा लिए। दो फंदे को हमने एक साथ बीन के पूरा डोरमेट, ये देखिए घटा दिए। ये देखिए इस तरह से, अब हम यहाँ पे सिलाई मार देंगे, यहाँ पे हम सिलाई मार देंगे, तो ये हमारा खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार हुआ। नमस्कार।